वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे और साथ ही इसके फीचर्स, सिंटैक्स और हम जावास्क्रिप्ट का एक पहला प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है, इसका यूज क्यों किया जाता है और इसका यूज हमें कहाँ करना होता है। सबसे पहले मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। जावास्क्रिप्ट JavaScript is a client-side scripting language. जैसा कि आपने नाम में ही देखा होगा JavaScript, script लिखा हुआ है, मतलब एक तरीके की scripting language. JavaScript जो है वो एक तरीके की client-side scripting language है. इसका use हम क्यों करते हैं? इसका use सिर्फ और सिर्फ हम किसी भी तरह के web page मतलब वो web page जो HTML के द्वारा बनाए जाते हैं web page, और web page में logic add करने के लिए हम JavaScript का use करते हैं. Which is created using HTML. जो HTML के द्वारा वेब पेज बनाए जाते हैं उनमें हम लॉजिक ऐड करने के लिए किसका यूज करते हैं, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, वो है JavaScript. HTML एक डिजाइनिंग लैंग्वेज, जैसा कि हम जानते हैं HTML जो है एक तरीके की डिजाइनिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं. जो डिजाइनिंग का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? HTML के द्वारा किया जाता है. बट By which we can create web pages, but for adding logic in web page we can use JavaScript. परंतु हमने जो HTML के हेल्प से web page बनाया है उस web page में logic किस तरीके से add किया जाएगा, कैसे add किया जाएगा, उसका काम कौन करता है? JavaScript काम करता है. अब यदि आपको ये समझ में ना आए कि logic मतलब, जैसे कि आपने अभी बहुत सारे web pages बनाए HTML का use करके CSS के through, उसमें attractiveness लेकर आए, तो अभी तक आपने जितने भी वेब पेजेस बनाए थे क्या कभी आपने उस वेब पेजेस में कैलकुलेशंस करवाई, या फिर कभी ऐसा कुछ हुआ कि किसी बटन पे क्लिक करते ही कोई मैसेज आ जाए, या फिर कुछ किसी बटन पे क्लिक करते ही कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, ऐसा कुछ तो अभी तक आपने किया ही नहीं HTML के हेल्प से. वो काम करने के लिए हम क्या करते हैं? जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं. तो बात आती है जावास्क्रिप्ट डेवलप हुई कैसे. जावास्क्रिप्ट इज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम. ये किसने डेवलप किया था? सन माइक्रोसिस्टम नाम की कंपनी थी जिसने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था. जावास्क्रिप्ट हैज द कैपेबिलिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. जो जावास्क्रिप्ट है उसमें पूरी तरीके से कैपेबिलिटीज होती हैं किसकी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की. तो कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक तरीके की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, जिसका यूज हम क्यों करते हैं, जिसका यूज हम HTML की हेल्प से बनाए गए वेब पेजेस में लॉजिक ऐड करने के लिए करते हैं. तो चलिए ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन जावास्क्रिप्ट का. नेक्स्ट आते हैं हम फीचर्स पर. फीचर्स मतलब उसकी कुछ विशेषताएं कि उसमें किस तरीके की क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके बारे में आप बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के. लॉजिक इन वेब पेजेस. सबसे पहला फीचर ये होता है कि हम वेब पेजेस में लॉजिक ऐड कर सकते हैं, मतलब हम हमारे वेब पेजेस में कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, हम हमारे वेब पेज में किसी तरीके का मतलब कंडीशन लगा सकते हैं. वो कैसे होता है? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होता है. दूसरा फीचर ये है कि ये एक तरीके की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. तीसरा है कि ये डेवलप किसके द्वारा की गई है? सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा. और हाँ, मैं आपको बता दूं, जब इसे डेवलप किया गया था सन माइक्रोसिस्टम ने, जब जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया तब इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट रखा गया था. कुछ समय के बाद इसे जावास्क्रिप्ट बनाया गया. कैपेबिलिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. और मैं आपको ये भी बता दूं, इस जावास्क्रिप्ट में पूरी तरह से सारी की सारी कैपेबिलिटीज होती हैं किसकी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की. और साथ में इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये है, वर्क विद मल्टीपल लैंग्वेजेस लाइक HTML, CSS, PHP. और साथ में जो जावास्क्रिप्ट है वो अकेले काम नहीं करती है, वो दूसरी लैंग्वेजेस के साथ काम करती है. कौन कौन सी लैंग्वेजेस के साथ काम करती है? जैसे हो गई HTML, CSS, PHP, इन सभी लैंग्वेजेस के साथ कौन काम करता है? जावास्क्रिप्ट काम करती है. जावास्क्रिप्ट इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है, वो डिपेंडेंट लैंग्वेज है, वो दूसरी लैंग्वेजेस पर डिपेंडेंट रहती है. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि इसका सिंटेक्स किस तरीके से होता है. सिंटेक्स से पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जो जावास्क्रिप्ट है इसके लिए एडिटर कौन कौन से यूज होंगे. तो जो भी एडिटर HTML के थे वो सभी एडिटर्स आपके जावास्क्रिप्ट के भी हो जाएंगे, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस, और साथ में सबलाइन.
आप जो चाहें इसमें से आप ले सकते हैं एज अ एडिटर। हम इसी पे काम करेंगे सबलाइम टेक्स्ट 3 पर। आप जो चाहे वो वाला एडिटर यूज कर सकते हो एज पर योर जैसे भी आपकी प्रैक्टिस हो उसके बेस पर। अब इसके बाद आते हैं सिंटेक्स पर कि सिंटेक्स कैसा होता है। सिंटेक्स के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, इजीली क्लियर हो जाएगा। सिंटेक्स में यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने HTML से ओपन किया है और साथ में HTML से ही क्लोज किया है। यहाँ पे मैंने हेड लिखा है, यहाँ पे हेड क्लोज किया है। हेड के अंदर टाइटल भी मैंने वही दिया है जैसे कि HTML में होता था। इसके बाद यहाँ पर बॉडी भी है और बॉडी खुली भी है, बंद भी है, तो लगभग तो सेम HTML जैसे ही लग रहा है। बट इसमें बदलाव क्या है, CSS की तरह ही हम जैसे कि इंटरनल CSS हुआ करती थी, इंटरनल CSS की तरह ही JavaScript, इंटरनल JavaScript भी हेड टैग के अंदर ही डिफाइन की जाती है। जिसको डिफाइन करने का प्रोसीजर क्या होता है, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट और साथ में स्क्रिप्ट हो जाती है क्लोज। जितना भी स्क्रिप्टिंग वाला काम होता है वो इस स्क्रिप्ट के खुलने और इस स्क्रिप्ट के बंद होने तक होता है। और साथ में आपने इसके अंदर जो भी काम किया हुआ है आप चाहें तो इस बॉडी से उसे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप स्क्रिप्ट के बेस पर ही अपने प्रोग्राम को लोड करना चाहते हैं तो प्रोग्राम वैसे भी लोड हो जाएगा। बट यदि आप बॉडी के बेस पर करना चाहते हैं तो आपने स्क्रिप्ट में जो भी लिखा है उसे आपको बॉडी के थ्रू कॉल करना होगा। तो ये कहलाता है हमारा सिंटेक्स। अब नेक्स्ट थिंग इज हमारा पहला प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मैसेज हेलो वर्ल्ड। हमें क्या करना है, एक मैसेज डिस्प्ले कराना है। कौन सा मैसेज, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कराने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा, ऑफकोर्स सबलाइन पर। ओपन करते हैं सबलाइन। ये मैंने सबलाइन ओपन कर दिया है। जैसे ही सबलाइन हमारा ओपन हो जाएगा उसमें मुझे क्या करना होगा, एक नई फाइल लेनी है। फाइल में गए, न्यू, हमने न्यू फाइल ले ली। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप पहले अपनी इस फाइल को सेव कर दीजिए। फाइल में चले जाइए, सेव बटन पर चले जाइए और एक लोकेशन लेकर इसे सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पर जावा के नाम से मैं .html नाम से मैं इसे सेव कर देती हूँ। हमेशा HTML तो लगेगा ही क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है, डिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो ये दूसरी लैंग्वेजेस के साथ काम करती है, तो हम इसे HTML के साथ काम लेंगे। सेव कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे HTML ओपन करते हैं और हमारा जो HTML का स्ट्रक्चर होता है वही हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हेड टैग के अंदर मैंने डाला स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, ये लिखा। और इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट को क्लोज भी करना है कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या चाहती हूँ, हमारे वेब पेज पर एक मैसेज शो हो हेलो वर्ल्ड, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर देना होगा। जैसे कि हम पी टैग ले रहे थे, पी टैग हमने लिया था हमारे वहाँ पे वेब पेज पर डिस्प्ले करने के लिए डेटा को, इसी तरीके से यहाँ पर लिया जाता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा हेलो वर्ल्ड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे कॉलन। अब फाइल में गए, सेव करा। सेव करने के बाद मैं इसको कर देती हूँ मिनिमाइज। यहाँ पे जावा नाम से मुझे मेरी फाइल दिख रही है, डबल क्लिक करके मैं इसे ओपन कर देती हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूंगी मेरी स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड मुझे लिखा हुआ दिखेगा। ये देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो ये कहलाता है जावा स्क्रिप्ट और इसे किस तरीके से कहाँ और किस वे में हमें यूज करना है वो हमारे ऊपर है। आगे हम सब देख सभी चीजें इसमें देखेंगे, कैलकुलेशंस भी कराना देखेंगे जो उसका मेन मोटिव होता है। लॉजिक किस तरीके से ऐड किया जाए वेब पेजेस में जावा स्क्रिप्ट की वजह से वो हम आगे की वीडियोस में।